गजब। वो कई रास्ते इसमें से तो सुनते। देखिए दोस्तों, इसमें कई रास्ते और दिखाई पड़ रहे हैं जो शायद वक्त के साथ है ना बंद कर दिए गए हैं। बंद कर दिए और एक उधर बहुत बड़ी गुफा का रास्ता हो रहा सुरंग। और ये देखिए, अंग्रेजों के समय में यहाँ कैदी बंद किए जाते थे, ये है हवालात। दोस्तों इस समय मैं हूँ भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले की एक तहसील, एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर गांव जिसका नाम है सफीदो। प्राचीन समय में महाभारत के समय में यह सर्प दमन नाम से था। यह है सफीदों के किले की दक्षिणी दीवार और ये दीवार हमारी जो है ये सर्प दमन क्षेत्र जो है हमारा महाभारत कालीन ऐतिहासिक क्षेत्र उससे मिलती हुई है। आप देखेंगे इस दीवार की मजबूती आज भी उसी प्रकार बरकरार है, लेकिन समय के साथ मेंटेनेंस न मिलने के कारण आज ये अपनी गौरवमय इतिहास को खोती जा रही है और इसके स्वर्णिम इतिहास पर धुंध जमती जा रही है। ऐसा भी बताते हैं इसमें जब से आग लगी थी इस किले में उसके बाद से इसकी मेंटेनेंस ढंग में कभी हुई नहीं है। दोस्तों इसी सफीदों के किले में एक रास्ता भी बताया जाता है। वैसे तो इस किले में भी अनेक रास्ते हुआ करते थे, गुप्त रास्ते, सुरंगें, अनेक हर किलों की तरह। एक रास्ता थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी सुनो भैया। जो सुना आपने वो क्या है? ऐसा पवन जी, जितने भी हमारे किले थे तो हर किले में गुप्त रास्ता जरूर होता था। जब कोई विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी हमला कर देता था राजा के ऊपर, दूसरे राजा के ऊपर, तो किले की जो चारों घेराबंदी कर लेते तो वहाँ से बच के निकलने का रास्ता होता था, एक गुप्त रास्ता बोलते हैं जिसको। ये वो रास्ता था यहाँ पे, ये सफीदों किले में आप रास्ता देख सकते हैं। और अभी एक फिल्म आई थी तानाजी की, कोंडाना का किला, उसमें भी आपने देखा होगा गुप्त रास्ता था जिससे तानाजी बच के निकल के भागा था। तो ये सभी किलों में रास्ते होते थे, ये सफीदों किले में ये रास्ता ये रहा, ये सुरंग है बहुत बड़ी। दोस्तों अब इस गुप्त रास्ते के आपको दर्शन भी करवाते हैं, आइए सुनो भाई। चलो भाई। इसमें कूड़ा कबाड़ा, गंदगी डाल रखी है, अंदर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। इसमें बताते हैं कि यहाँ से ये कितना बड़ा कमरा था, इसमें से बहुत विशाल, और इसमें से रास्ता निकलता था। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ ये यहाँ पर गुफा या सुरंग थी, इसकी वजह है ये दीवार के अंदर है कमरा, ये यहाँ तक दीवार है, यहाँ पर दीवार का हिस्सा टूटा हुआ है। और ये भी देखिए, ये भी दीवार थी यहाँ पर, इससे ये पता लगता है। और ये दीवार वहाँ से यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे नीचे पैरलर आती थी, वहाँ से ये नीचे देखिए, इधर से मेरे नीचे होते हुए ऐसे ये यहाँ तक ये दीवार जाती थी, आगे डबल मोटी दो दीवारें थी। और ये रास्ता रुका हुआ था, इसके ऊपर ये दीवार थी, तो इसे पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पर क्या होगा। इससे पता लगता है ये वास्तव में कोई गुप्त कमरा है या गुप्त रास्ते, सुरंगें हैं, या राजा महाराजा की कोई गुप्त कक्ष, तिजोरी या खजाना रखने की ये जगह हुआ करती थी। ये जगह देखकर ही आप यहाँ पर आकर ही ये बात समझ सकते हैं। ये सफीदों के किले का एक गुप्त रास्ता, एक गुप्त रूम, एक चैम्बर, मोटी मोटी दीवारें, देखिए दीवारों पर भी डबल डबल दीवारें, ये कितनी मोटी दीवार, फिर एक और दीवार। ये दीवार चिनी गई थी, चूने में नहीं, मिट्टी में, ये मिट्टी का बना हुआ किला था, छोटी लखोरी ईंटों का, और बहुत मजबूत ये माना जाता था। जब इस किले में आग लगी थी उसके बाद से हम ऐसा कह सकते हैं इस किले का पतन शुरू हुआ था। आज यहाँ पर देखेंगे ये कई और रास्ते, अवशेष, पता नहीं कितनी मोटी संरचनाएं, कितनी मोटी मोटी दीवारें, तोप के गोलों का भी इन पर आसानी से असर नहीं होगा, ये यहाँ पर हुआ करती थी। आज समय के साथ अव्यवस्था का शिकार हो गई हैं और यहाँ पर बिल्कुल कोई भी दूर दूर तक न दिखाई देता न कोई रहता। ये देखिए पता नहीं ये क्या होता होगा। ये एक ऐसी सीरीज से बनी हुई है, इनमें अंदर रास्ता नहीं है उस गुफा की तरह, सुरंग की तरह, लेकिन पता नहीं किस यूज या शायद ये पैडियां रही हो, इसके ऊपर जीना रहा हो, और ये पूरी सीरीज है ऐसी लंबाई कई तरह की। इस
किले में आज भी ऐसा बताते हैं कुछ लोग, जींद के महाराजा ने इस किले के नीचे कई सुरंगें बनवाई थी जो आपात स्थिति में भागने के लिए इस किले से यूज होती थी। ये इतनी ऊंची ऊंची विशाल मोटी दीवारें देखिए, मिट्टी की चिनाई है इनमें। मेरे पीछे इसी सफ़ेदों के ऐतिहासिक प्राचीन किले में, ये सफ़ेदों शहर का कभी थाना हुआ करता था। इसकी वीरान सुनसान बिल्डिंग आप यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। सफ़ेदों फोनसान थाना सफ़ेदों, एक कुत्ता, दो कुत्ते अंदर आज भी आराम कर रहे हैं। और देखिए सीसीटीवी आप अंडर सर्विलेंस है, सब कुछ चारों तरफ वीरानी है, खामोशी है। यहाँ एक बुर्ज दिखाना चाहूँगा मैं इस किले का, कितना धुआंधार, शायद मजबूत ये बुर्ज रहा होगा, जिसकी कलाकारी देखने से ही आज भी रोमांचित करती है और महसूस होता है कि कभी यह इस क्षेत्र का एक मजबूत और दमदार किला हुआ करता था। इस थाना जो सफ़ेदों शहर का, ये नया थाना, पुराना थाना भी इसी शहर का इसी किले में हुआ करता था, जिसकी बची हुई पुरानी अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग आज आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये पुराना थाना है। ये देखिए प्राचीन किला सफ़ेदों जींद, और ये इसके बारे में है कि सफ़ेदों में यह ऐतिहासिक किला 18वीं सदी में यानी कि 1763 के आसपास जींद के राजाओं ने बनवाया था, और अलग सत्तारूढ़ राज्य के रूप में मिलता है जींद का जिक्र, और इसका सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये प्राचीन ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन है, कभी देखिए कितना शानदार हुआ करता था। कभी ये पुराना फोटो है, इसके सारे बुर्ज वगैरह सब कुछ चाक चौबंद थे, और इसी के अंदर अंग्रेजों के समय में ये थाना सफ़ेदों, यहाँ देखिए इधर पीछे लिखा हुआ है, इस वीराने में जो आज वीरान पड़ा है, खंडर पड़ा है। और ये देखिए अंग्रेजों के समय में यहाँ कैदी बंद किए जाते थे, ये है हवालात। जी हाँ, आज बंद है, दो दो ताले लगे हुए हैं, लॉक्ड है बिल्कुल, कहीं कोई आने की जाने की गुंजाइश नहीं है। कभी इसमें कैदी रहा करते होंगे, मुजरिम रहा करते होंगे, और ना जाने इसमें क्या क्या। इधर इनकी बिल्डिंग थी, ये देखें आप पुरानी अंग्रेजों के समय की, इस थाने की, जिसके बचे हुए अवशेष आज भी यहाँ पर हैं, बुरे हालत में, टूटे फूटे। कभी यहाँ अधिकारी बैठा करते होंगे, कभी यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते होंगे, गश्त किया करते होंगे इसी थाने में। एक बार उधर मैं ले जा के दिखाऊँ आपको बिल्डिंग में। लिखा हुआ है प्रबंधक अफसर। देखिए कभी रूम रहा करते थे कमरे अंग्रेजों के समय में, इस हवालात के, इस थाने के, आज वीरान पड़े हैं, बंद पड़े हैं, खंडर पड़े हैं। देखिए एक बार यहां से दिखाऊं मैं अंदर कैसा दिखता है ये रूम। देखिए सब ढह गया है, ये 1947 से पहले का थाना है, यहाँ पर जो था सफ़ेदों कस्बे में, इस किले में। देखिए इसकी दीवारें गिरने को रखी हैं, कभी भी गिर सकती हैं, यहाँ कभी अफसर बैठा करते होंगे। ये दो देखिए ऊपर पाइप हैं, यहाँ पर पंखे कभी लटके रहा करते होंगे, चला करते होंगे। इसमें 47 से पहले का ये थाना है, लेकिन इसमें जो फिटिंग वगैरह बिजली की है, रिनोवेशन है, इसकी 47 के बाद लगातार होती रही है, लेकिन पिछले कुछ काफ़ी समय से इसको यूज़ में न होने के कारण यह अब बिल्कुल खंडर अवस्था में पहुंच गया है। दरवाजे सब ढह गए हैं, इसी ऐतिहासिक थाने के, अंग्रेजों के समय के, सब यहां पर खंडर हो गया है, बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ऐतिहासिक यात्रा
ऐतिहासिक किले सफीदों की और उसमें स्थित एक ऐतिहासिक प्राचीन पुलिस थाने की।